हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे शकरपारा। यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन में एक कटोरी मैदा डाले हैं और एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें हम 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। मैदा में घी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। जब घी और मैदा अच्छे तरीके से मिल जाएगा तब ये मुट्ठी में इस तरह से बंधने लगेगा। मैदा में हल्का हल्का पानी देके सख्त डो तैयार कर लेंगे। एक बार में पानी नहीं डालना, हल्का हल्का पानी देके ही इसको गूथना है। आप एक बार इस तरह से शकरपारा बना के ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। शकरपारा का डो तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं। हल्का सा मैदा छिड़क देंगे और इसको हम बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मोटा ही बेलना है। तो चलिए अब हम इसको चाकू से काट लेते हैं। दोनों तरफ से साइड से हल्का हल्का निकाल दिए और फिर से इसको लंबा लंबा इस तरह से काट लेना है और फिर हम इसको बीच से काट लेंगे। आप देख सकते हैं ये कट चुका है, अब उसको हम बीच से काट लेंगे। आप चाहें तो इसको छोटा छोटा शेप भी दे सकते हैं, हम इसको बड़ा शेप में बनाए हैं। गैस पे तेल चढ़ा दिए, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम शकरपारा डालेंगे। शकरपारा डाल के मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम तल लेंगे। इसे बहुत लोग खुरमा भी कहते हैं और शकरपारा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं शकरपारा हमारा तल रहा है। इसको दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम तल लेंगे। आप एक बार शकरपारा की रेसिपी को इस तरह से बना के ट्राई करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। देखिए शकरपारा का कलर चेंज हो चुका है, अब ये तल के रेडी हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। फिर हम इधर गैस को ऑन कर चुके हैं और कढ़ाई चढ़ा दिए। इस पर हम आधा कटोरी पानी ऐड करेंगे और पानी डालने के बाद इसमें हम आधा कटोरी चीनी डाल देंगे और दोनों को घुलने तक अच्छे तरीके से मिलाएंगे। अब चीनी पानी दोनों घुल चुका है, अब इसको हम गाढ़ा चाशनी तैयार करेंगे। देखिए धीरे धीरे ये चाशनी गाढ़ा हो चुका है। अब ये जब अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा तब हम गैस बंद करेंगे। आप देख सकते हैं चाशनी एकदम से गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम शकरपारा डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद इसको थोड़ा देर के लिए चलाएंगे और ये एकदम अपने आप से सूख जाएगा। शकरपारा बनके तैयार है। अगर आपको ये शकरपारा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।